सुखविंदर सिंह सुक्खू जी शपथ ले रहे थे तो ठाकुर साहब मुझे मिले, मैंने कहा आज आप होने थे आज शपथ ले रहे। कि कौल सिंह जी जीते होते तो मुख्यमंत्री होते, लेकिन ईमानदारी से कहिए बात को, क्या आप बढ़ने देते हैं इनको? इसके इतिहास में अगर सबसे ज्यादा अगर सड़कें अगर बनी हैं तो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सरकार। उनके पिताजी के पास ये महकमा हुआ करता था, वो मालूम करें कि कितनी सड़कें बनी थी। 2,500 किलोमीटर से नहीं, हमने 5,000 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में 5 सालों में बनाई कोविड के दौर के बावजूद। मंडी में आयोजित द्रंग भाजपा मंडल की बैठक में जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें चुनाव हारने का दुख है, लेकिन उनसे ज्यादा दुख कांग्रेस को मंडी हारने का है। अगर प्रदेश सरकार के नेता मंडी को नजरअंदाज करेंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह को भी आड़े हाथों लिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि पधर में जनसभा के दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि यदि कौल सिंह जीते होते तो आज भी मुख्यमंत्री होते। उन्होंने प्रतिभा से सवाल पूछते हुए कहा कि वे ईमानदारी से बताएं कि यदि कौल सिंह चुनाव जीते होते तो क्या वे उन्हें मुख्यमंत्री बनने देती। कौल सिंह ठाकुर भाजपा सरकार के कार्यकाल में मंडी में विकास ना होने की बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज वे खुद हार कर घर बैठे हैं। सरकार नहीं बन पाई इस बात का मलाल जरूर है, लेकिन इससे ज्यादा मलाल कांग्रेस वालों को है कि भाई मंडी हमारे हाथों से पूरी की पूरी छूट गई। मंत्री बनाने के लिए भी आदमी नहीं मिल पा रहा है। हम उसे इस तरह ही कहना चाह रहे हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी है, ये मंडी जिला हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, इसको नजरअंदाज करने की जरूरत मत करना, बहुत मुश्किल में हो जाओगे। हिमाचल में सरकार बनने के पश्चात सुखविंदर सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन मैं कल देख रहा था सांसद महोदय यहां पर आकर के कहीं भाषण दे रही थी आपके ही क्षेत्र में कहीं पद्र में, कि कौल सिंह जी जीते होते तो मुख्यमंत्री होते। लेकिन ईमानदारी से कहिए बात को, क्या आप बढ़ने देते हैं इनको? कई तरह के प्रश्न हैं, मैं उन सारी चीजों का जिक्र सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहूंगा, कभी करने का अवसर आएगा तो करूं कभी। लेकिन एक चीज को मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि आपके इस क्षेत्र में जो कांग्रेस के नेता थे वो हमेशा एक बात का जिक्र करते थे कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। मंडी का मुख्यमंत्री लेकिन विकास मंडी में नहीं हुआ। मेरे समसे अब तो उनको तसल्ली हो जानी चाहिए। पीडब्ल्यूडी व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पिछले दिनों मंडी दौरे के दौरान प्रदेश में सड़कों के खस्ताहाल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का घेराव किया था। वहीं अब शनिवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह पर एक तंज कसा है। द्रंग भाजपा मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि नए नवेले मंत्री पहले अपने विभाग को समझ लें, उसके बाद ही हमारे ऊपर कोई बयानबाजी करें तो बेहतर होगा। लेकिन जो मंत्री आज उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनके पिता यानी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पास भी यह विभाग रहा है। उस समय कांग्रेस 5 साल में मात्र 2,500 किलोमीटर सड़क बना पाई थी, जबकि पूर्व में रही भाजपा सरकार ने 5,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया है। जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि वे पहले अपने विभाग अध्ययन कर लें, उसके बाद ही बयानबाजी करें। कुछ लोग नए नए मंत्री बने हैं, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। मुझे कहा जा रहा था कि सड़कों के बारे में बोल रहे थे, जिनके पास ये महकमा भी दिया गया है, मैं उनको इतना जरूर कहना चाह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा अगर सड़कें अगर बनी हैं
तो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सरकार उनके पिताजी के पास ये महकमा हुआ करता था। वो मालूम करे कि कितनी सड़कें बनी थी, 2,500 किलोमीटर से नहीं, हमने 5,000 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में 5 सालों में बनाई कोविड के दौर के बावजूद, सारे रिकॉर्ड टूटे। अगर महकमा आए उसको समझ तो लो कम से कम, काम किसने किया है, कितना किया है, जमीन पर कितना काम किया है। लेकिन बोलने का शौक है इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कम से कम जिस महकमे को उनको दिया गया है, इन लोगों को जो मंत्रियों को, पहले वो अध्ययन कर लें, समझ लें कि किस सरकार ने कितना काम किया। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।